तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिव ऑन की ये सेशे अप्लाई कर लूँगी। कोई भी आपको हेयर सीरम अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना हो गया हेयर सीरम। मैं अभी थोड़ा सा पार्ट पे ही आपको डेमो दिखाऊंगी। सो पहले इसको हम देख लेते हैं, इसका जो आउटर पैकेजिंग हम देखे हैं, ये जो स्ट्रेटनर है आप इससे कर्ल कर सकते हैं, और इसमें एक बटन जैसा है, इसके हेल्प से हम इसको ओपन कर सकते हैं। आपको कौन सा नीड है तो इस पार्ट से, ये वाले पार्ट से हम क्रिम्पिंग कर सकते हैं अपने हेयर्स को, और इसमें स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, और इससे हम कर्लिंग कर सकते हैं दिस वन से। ओके, तो अभी फर्स्ट मैं इसको क्रिम्प करके दिखाती हूँ। मेरा हाथ एकदम स्लिप पर ही हो गया है सीरम दबा के, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसे पकड़ना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइट जल रहा है जो ऑन हुआ है, आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसके अंदर आपको एकदम बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन जो हीट होता है तो यहाँ पे ही होता है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत हीट हुआ है। यहाँ पे आप पकड़ के दोनों हाथ से कर सकते हैं। आप देख पा रहे कितना सुंदर क्रिम्पिंग हो रहा है। आप ऐसे करके इसे यहाँ से पकड़ सकते हैं और क्रिम्पिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा है, रीजनेबल प्राइस में इतना सुंदर काम करता है ये। और आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, और बहुत देर तक इसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए। और इसके बाद आपको एक स्प्रे करना है, और अभी जो मेरा स्प्रे बॉटल है वो अभी ख़त्म हो चुका है, तो मैं अभी आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, सो सॉरी। पर मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आपको जस्ट उसे स्प्रे करना है, और स्प्रे करके आप बाहर जा सकते हैं, तो ये बहुत देर तक स्टे करेगा आपका। और मेरा हेयर्स एकदम सिल्की है एंड स्ट्रेट हेयर है, तो ये बहुत देर तक स्टे, फिर भी मेरे हेयर पे विदाउट स्प्रे ये बहुत ही देर तक स्टे करता है। एटलीस्ट इतने कम टाइम का जो मैंने ये किया है, इसमें आपको 2 to 3 hours ये आराम से स्टे कर जाता है। सो अभी मैं दिखाऊंगी स्ट्रेटनिंग करके। वाकई में मेरा हेयर स्ट्रेट है, तो आपको शायद उतना ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, पर इससे रियली में होता है स्टे। जस्ट इसके ऊपर स्प्रे करना है, नहीं तो ये बहुत देर तक स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि मेरे हेयर पे तो स्ट्रेटनिंग वाला हेयर है, तो उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको शायद, पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्रिम्पिंग मैंने किया था वो स्ट्रेट हो गया है।